हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पुण्य भूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का ऐतिहासिक प्राचीन बैजनाथ शिव मंदिर, यह मंदिर हिमाच्छादित धौलाधार पर्वत श्रृंखला में धर्मशाला स्टेशन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भक्तों, अगर हम इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास अपने भाग्य और दुर्भाग्य से जूझता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि ये कई बार टूटा और कई बार बना है। इस मंदिर में लगे 8वीं सदी के कुछ शिलालेखों के अनुसार शिलालेख लगने से लगभग 2500 से लगभग 3000 वर्ष पहले भी यह शिव मंदिर था। कुछ शिलालेखों अनुसार यह मंदिर पांडव युग में भी था, जो 2500-3000 वर्ष पहले किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट भ्रष्ट होकर तत्कालीन लोगों के द्वारा पुनर्स्थापित किया गया। भक्तों, 6वीं शताब्दी में फिर इस मंदिर में अधर्मियों ने हमला किया। इसके पश्चात 8वीं सदी में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। उस समय यहां के राजा लक्ष्मण चंद्र थे। उन्हीं के राज्य के दो व्यापारी भाई मन्युक व आहुक ने इन दोनों शिवलिंगों के लिए मंडप और ऊंचा मंदिर बनवाया। राजा और दोनों भाइयों ने मंदिर के लिए भूमि दान किया और धन दिया। आक्रांता महमूद गजनवी ने भारत के अन्य मंदिरों के साथ बैजनाथ मंदिर को भी लूटा और क्षतिग्रस्त किया। फिर सन 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी की सेना ने भी इस मंदिर को तोड़ा। क्षतिग्रस्त मंदिर का जीर्णोद्धार 1783 से लगभग 86 ईस्वी में महाराजा संसार चंद द्वितीय ने करवाया था। मंदिर की परिक्रमा के साथ किलेनुमा 6 फुट चौड़ी 4 दीवारी बनी हुई है, जिसे मंदिर और बैजनाथ के ग्रामवासियों की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। यहां के कटोच वंश के राजाओं ने समय समय पर मंदिर की सुरक्षा का ध्यान रखा। वर्ष 1905 में आए कांगड़ा के विनाशकारी भूकंप ने फिर से इस मंदिर को क्षति पहुंचाई थी, जिसे पुरातत्व विभाग ने समय रहते संभाल कर मरम्मत करवा दी थी। इस मंदिर के कई अवशेष आज भी धरती में धसे हुए हैं। अभी जो ये अभी मौजूदा जो स्ट्रक्चर है, ये 7वीं शताब्दी का है। इसको बनने में लगभग 150 साल लगा है। ये जो शैली है जिस आप मंदिर को देख रहे हैं, ये यहाँ की शैली नहीं है, ये यहाँ का पत्थर नहीं है, ये सब इम्पोर्ट हुआ है। और उस समय जब वाहन नहीं होते थे, हाथियों के कैसे उस समय इसको यहाँ कहाँ से लाया, कैसे लाया गया, लोकल पत्थर नहीं है ये मंदिर जो है। ये शिव आप मंदिर वाले देख रहे हैं, ये एक ही पत्थर से बना हुआ है। अब जब भी यहाँ दर्शन करके जो भी आते हैं लोग, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जागृत स्थान है, बिल्कुल जागृत, जहाँ कहने की बात होती है कि मैंने अभी जैसे सोचा वही बात चुप हो जाएगी। अभी मैं जैसे अपने आज की बात बताऊँ, मैं एक गुलदस्ते के बारे में सोच रहा था, अभी रिसेंटली मंदिर आया, एक गुलदस्ता बन के आया हुआ है। ये प्रत्यक्ष चीज़ें यहाँ पर, बहुत जागृत स्थान है। ठीक है जी, जय बाबा जी। भक्तों, समुद्र तल से लगभग 4000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का निर्माण आश्चर्यचकित करने वाला है कि हजारों वर्ष से पहले इस दुर्गम स्थान में ऐसे भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण दैवीय कृपा के बिना असंभव था। मंदिर के पीछे चंद्राकार पहाड़ियां, घने जंगल, बर्फ से आच्छादित धौलाधार पर्वत श्रृंखला की स्वर्गिक सुंदरता नैसर्गिक श्रृंगार की भांति प्रतीत होता है। यहां बहती कंदुका बिंदुका नदियों की कल कल छल छल स्वर लहरियां मन मुग्ध कर लेती हैं। भक्तों, बैजनाथ का यह क्षेत्र भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व भर में हैंग ग्लाइडिंग के लिए
सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। इसीलिए समूचे विश्व से हैंग ग्लाइडिंग के शौकीन लोग निरंतर यहां आते रहते हैं। भव्य प्राचीन शिव मंदिर बैजनाथ वर्ष भर यहां आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।